आईपीआर लॉ के इन वीडियोस के थ्रू हम आईपीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज में कल हमने बेनिफिट्स ऑफ पेटेंट रजिस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझा। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटेंट के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो पेटेंट के ऊपर लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम कॉपीराइट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, पेटेंट बेसिकली तीन टाइप्स के हो सकते हैं। यूटिलिटी पेटेंट, दूसरा डिजाइन पेटेंट और तीसरा प्लांट पेटेंट। व्हाट इज पेटेंट? इट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ आईपीआर। ये क्या है? आईपीआर का एक फॉर्म है। तो पेटेंट बेसिकली तीन टाइप्स के हो सकते हैं, यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट और प्लांट पेटेंट। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी पेटेंट? देखो, दिस पेटेंट कैन बी ग्रांटेड टू एनीवन हु इन्वेस्ट और डिस्कवर एनी न्यू एंड यूजफुल प्रोसेस। तो यूटिलिटी पेटेंट, यूटिलिटी जो वर्ड है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? वो कोई भी चीज जो आपके नीड को पूरा करता हो। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट, जब आप प्यासे रहते हो तो इस वन ग्लास ऑफ वाटर के पास ये पावर है कि ये आपके थर्स्ट को, ये आपके प्यास को बुझा सकती है, राइट। तो ये क्या है? यूटिलिटी है ऑफ वन ग्लास ऑफ वाटर टू इरेज योर थर्स्ट। अब उसी तरह मान लो ये है ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर का यूज क्या है? खेत जोतना, प्लॉजिंग द फील्ड। तो द यूटिलिटी ऑफ दिस ट्रैक्टर इज टू प्लॉजिंग ऑफ फील्ड, खेत जोतना। तो वो कोई भी पर्सन जो कोई इन्वेंशन करता है, कोई डिस्कवरी करता है जिससे कोई चीज आसान होता है, तो उसे हम कहते हैं यूटिलिटी पेटेंट। जैसे मशीन्स, आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर, राइट, जिससे ह्यूमन लाइफ सिंपलर और इजियर हो, टर्म एज यूटिलिटी पेटेंट। जैसे जब हम बात करते हैं टेलीफोन के बारे में, तो इसका पेटेंट किसे जाता है? ग्राहम बेल को जाता है, राइट। तो दिस टेलीफोन, द बेसिक पर्पस ऑफ दिस टेलीफोन इज व्हाट? कम्युनिकेशन। तो ये क्या है? ये टेलीफोन का यूटिलिटी है कि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो वो कोई भी पर्सन जो कोई नया इन्वेंशन करता है, डिस्कवरी करता है, जिसे किसी चीज को करने का एक नया तरीका पता चलता हो, एक सिंपल तरीका पता चलता हो, ह्यूमन लाइफ इजी हो जाता हो, तो उस फील्ड ऑफ इन्वेंशन में जो पेटेंट मिलता है उसे हम कहते हैं यूटिलिटी पेटेंट, राइट। दूसरा क्या है? डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट बेसिकली वो पर्सन जो कोई नया, ओरिजिनल या कोई
ऑर्नामेंटल डिजाइन खुद से डेवलप करता है। ऑर्नामेंटल डिजाइन वो पर्शियन जो खुद से डिजाइन करता है, जो उसका खुद का क्रिएशन होता है, जो अपने आप में यूनिक होता है, नया होता है, उसे हम कहते हैं डिजाइन पेटेंट। तीसरा क्या है? प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट मे बी ग्रांटेड टू एनीवन हु डिस्कवर अ प्लांट और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसेस एनी डिस्टिंक्ट एंड न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। तो वो पर्सन जो किसी नए प्लांट को डिस्कवर करता है या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू किसी नए प्लांट को प्रिपेयर करता है जिसका अपना इंपॉर्टेंस है, तो उस फील्ड में जो पेटेंट मिलता है उसे हम कहते हैं प्लांट पेटेंट। बेसिकली जो पेटेंट होता है वो इन्वेंशन, इनोवेशन, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट इन फील्ड में दिया जाता है। हमने डिटेल में बात किया है पेटेंट के बारे में, ठीक है ना। वो कौन कौन से इन्वेंशंस हैं जो पेटेंटेबल नहीं है? तो कोई थियरी और बेस्ड ऑन नन थियरी। तो आपका कोई थियरी या पहले से कोई थियरी था, उसके बेसिस पे आपने एक नया थियरी लिखा, तो उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। पेटेंट हमेशा इन्वेंशन, इनोवेशन, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट इन एरियाज में मिलता है। तो कौन कौन से इन्वेंशंस हैं जो पेटेंटेबल नहीं है? कोई थियरी या वर्क बेस्ड ऑन नन थियरी, इन्वेंशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट इन नन वे। कोई चीज था जो पहले से लोग जानते थे, उसमें आपने कुछ अरेंजमेंट किया, तो वो तो पहले से पब्लिक जानती थी उसे, तो उसमें अगर आप कुछ अल्टरेशंस करते हो तो उसमें भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। ये जो इन्वेंशन वर्ड है अपने आप में कंप्लीट न्यू वर्ड को बताता है, जो आज तक पब्लिक को पता ना हो, जो अपने आप में न्यू हो, ओरिजिनल हो। फिर कह रहा है इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, इन्वेंशंस कॉन्ट्रारी टू द नेचुरल लॉ, ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड कोई इन्वेंशन मेथड, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इन फील्ड्स में पेटेंट नहीं मिलता है, राइट। तो ये था टाइप्स ऑफ पेटेंट। जब आप पेटेंट डिफाइन करोगे तो उसमें आप टाइप्स ऑफ पेटेंट लिख सकते हो, यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट, प्लांट पेटेंट। और ये वेरियस एरियाज ऑफ वर्क है जिनमें आप पेटेंट ले सकते हो, इन्वेंशन, इनोवेशन, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, राइट। तो IPR के कंप्लीट वीडियो के PDF नोट्स को अगर आप पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने कंप्लीट IPR के PDF नोट्स को शेयर किया है, राइट। अब हम बात करेंगे ट्रेडमार्क के बारे में, ठीक है, और एविडेंस एक्ट में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही जल्दी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पर एक वन शॉट वीडियो आने वाला है, राइट। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।